हाँ, एक चाय का कप और मेरी गंदी शक्ल से लग नहीं रहा कि आज ईद का दिन है, क्योंकि मैं सो के उठा। मैं नमाज़ पढ़ने के बाद आके सो गया था और उसके बाद मामू आया तो मैं उठा और मैंने नाश्ता किया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सुभाना, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज मैं जब मैं उठा हूँ, रात में सोते हुए देर हो गई थी, जब मैं उठा हूँ तो वो तकरीबन कोई 5 से 7 मिनट थे, लेकिन मैंने फिर बड़ी मुश्किल से लहाया लहा के नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद जब मैं वापस आया हूँ, मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मैं फिर आके सो गया। मैं उठा तकरीबन कोई 11:30 बजे करीब वापसी, जिसमें मैंने नाश्ता किया। आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो मैं रूम में आ चुका हूँ दोबारा। रूम में आने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा एहसास हो रहा होगा कि यार ये कुछ चीज़ें चेंज चेंज सी लग रही हैं, इंशाल्लाह सून वो भी आपको बताई जाएंगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं आज का जो ब्लॉग है बेसिकली आज की डेली रूटीन ही होगी, कुछ सच कोई ऐसा काम नहीं है। कुर्बानी के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं नहीं स्पेशली जा सकता, क्योंकि मुझे ब्लड एलर्जी है, आई ब्लड नहीं देख सकता, दैट्स व्हाई आई कांट गो एनीवेयर। जब इस तरह से सब सिलसिला चल रहा होता है तो घर पे ज़्यादा बैठना प्रेफर करता, लेकिन ईद वाले दिन मैं खास सबको कॉल्स कर दूँ, कॉल करके ईद मुबारक और सबके हाल वाचाल पूछते हैं। तो वही अभी करते हैं, बैठते हैं सुकून से, सबके नंबर्स निकाल के उन सबको कॉल करके ईद मुबारक करते हैं। लेट्स गो। हम कॉल करना शुरू करते हैं सबको और कॉल करके ईद मुबारक का विश करते हैं। अब अच्छा, मैंने सिलसिले में फ़ोन शिफ्ट किया था अपना सिम का, सो इसमें अब देखते हैं जितनों के नंबर हो सकते हैं उनको तो एटलीस्ट यहाँ से कॉल। तो जी हम ऊपर छत पे आए हैं, छत पे ओ ताला, ये ताला लगा हुआ है। इस ताले की चाबी मेरे ख्याल से नीचे चौकीदार के पास होगी, नहीं तो फिर नीचे जाना पड़ेगा। चलो चलते नीचे, चौकीदार की चाबी लेकर। कुछ फैमिलीज आई हैं अभी यहाँ पर स्टोर के अंदर, यहाँ पर अभी इतनी फैमिलीज नहीं है। ये जो छत है वो मैक्सिमम 6 फ्लोर पे है, 5th फ्लोर 5 फ्लोर 6 पे छत है। तो ये मेरा अपार्टमेंट है, इसके नीचे एक फ्लैट मतलब 1st फ्लोर है, 2nd फ्लोर है। एंड फॉरगेट द की, कीज हमने ले ली हैं, देन अप करते हैं। मुश्किल काम, ऊपर चढ़ना, लेकिन चढ़ेंगे क्या कर। कमाल की हवा, इसे कहते हैं ना कमाल की हवा, वो सीन है। सब ये आउटस्टैंडिंग यहाँ पे सीन है, सांस फूल गई मेरी, देख सकते हैं। वेदर बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है बिकॉज कल बारिश हुई थी और बहुत आउटस्टैंडिंग वेदर है। ये मेरी छत का व्यू है प्रॉपर बेसिकली। बेसिकली अब जहाँ मैं जॉब करता हूँ अरीना, ये KFC के ऊपर अरीना, तो ये बेसिकली तो छत है। यहाँ पे अब शाम में सही कह रहा था, धूप ज़्यादा है लेकिन गर्मी नहीं है, तो पिक्चर्स बहुत कमाल आएंगी यहाँ पे। इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकता मैं आज के दिन, खाला के घर जाना था लेकिन मैंने बताया आप लोगों को कि नहीं यार भाई, लेकिन मैं कोशिश करूँगा मैं शाम में चला जाऊँ और वहाँ पे कज़न से मिलना मिलाना होता ही है, 100 काम होते हैं उन्हें मर जाते हैं। अम्मा यार भूख लग रही है, कितनी देर है और? यार खाना टाइम 4:30 का हो रहा है, भूख लगी है बहुत जोर की, समझ गई यार क्या करूँ, फिर रोटे रहने के जाना। अब क्या सीन चल रहा है? कुर्बानी चल रही है भाई, रोटियां लानी है नहीं लानी अम्मा भी? रोटियां अच्छा
भाई कुछ बन तो रहा है, कुछ बन तो रहा है, कुछ बन रहा है इधर। आई गेस मामा टोल्ड मी के नमकीन रोटी आई गेस बना रही हैं, सो बस वो बन रही है। ये हमारा ड्राइंग रूम है, इधर हमारे पास वोकल बढ़िया अच्छा आता है। यस, इधर हमारा वोकल अच्छा आता है। मैं लास्ट वीडियो एग्जैक्ट मैंने यहीं पे शूट किया था, कुछ है नहीं कवर किया था, तो वो साउंड पहुँचता है ना, तो वो वाला सीन है। चलो अभी रोटियाँ लेने जाते हैं, रोटियाँ लेकर आते हैं, कुछ खाएंगे, भूख लग रही है। बड़े मजे की इधर सेकेंड शोर से उतरना थोड़ा सा मुश्किल काम, उतरना मुश्किल काम नहीं है, चलना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अभी रोटियाँ लेकर आते हैं। बारिश की वजह से बड़ा गंदी मचा हुआ है, ब्लॉगिंग बाहर के मूड में नहीं हो सकते, लेकर रोटियाँ लेकर आते हैं। अब्बा हजूर बाइक लेके चले गए, आप चलो पैदल ही जाना पड़ेगा। आप यहाँ पे रोटियाँ लेकर आए, असल में थोड़ा सा यहाँ पे ऑकवर्ड लगता है व्लॉगिंग करते हुए, क्योंकि यहाँ का एरिया थोड़ा सा जो है ना ऑफ सीन है, लाइक ये आम एरियाओं की तरह नहीं है, सो दैट्स व्हाई थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। ये भाई रोटियों वाला आ गया, इससे रोटियाँ पकड़ते हैं, पता नहीं ये लगा रहे हैं। रोटियाँ ले ली भाई, रोटियाँ ले ली, हमने ले लिए हैं। अब हम जा रहे हैं दही वाले के पास, नीचे से इसलिए आ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मोटो लग रहा हूँ, लेकिन अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना है। दही है, दही 50 की। बिल्डिंग का रिव्यू कुछ इस तरीके का है, ओ याल्ला इतनी बड़ी, इस तरीके से दिखा सकते हैं। सेकंड फ्लोर पे हमारा घर है। हाँ भाई हो गई कुर्बानी तुम्हारी, हो गई। तो जी फिर से चिड़िया चढ़ेंगे, चिड़िया चलते हो पकड़ते हैं। हेलो कौन? ये गोश्त रेडी हो, ये गोश्त रेडी हो चुका है। हमारे कहा कुछ चेक करो कि ये गला है या नहीं सही, तभी हम वो चेक करते हैं कि ये गला है कि नहीं। गरम है, गरम है, थोड़ा सा और बना, और गला भी सही है, बस गर्म है। इसको रोटी का ज़्यादा इसको थोड़ा शोरबा पी लेते हैं। मज़ेदार, तो शोरबा बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। और ये चले खाना रेडी हो गया, अब जाके खाना खाते हैं। चल चलो जी, तो टाइम आ गया घर छोड़ने का, मतलब घर से खालाजीगढ़ तक जाने का, क्योंकि मैंने प्लान किया था कि मैंने खालाजीगढ़ भी जाना है। छत का आज पॉसिबल नहीं हो सका, क्योंकि हम पिक्चर लेने के लिए गए नहीं घर पे, उसका तो खाना खाया, खाना खाने के बाद हिम्मत ही नहीं हुई कि छत पे जा जाए। बहरहाल अभी प्लान ये कि मैं खालाजीगढ़ जाता हूँ, वापसी ही देखते हैं क्या वहाँ पर बकरे शकरे कटे और चलते हैं बकरे। अगर आपको पता है मुझे मज़ा आता है तो करने में। यहाँ तो मैं आप निकल गए घर के, बारिश हो रही है रास्ते में, कहा से मोबाइल रख ही देना चाहिए। सही से बेटा, सही से मारो बेटा। अबे इधर देख, साइड लॉक कर, उधर से उधर जा बेटा, तुम भी काम करो, इधर से नजर नहीं आए। चला बस सही है,
बस ये बेटा तुम बिल्कुल प्रॉपर डीएमसी वाले पूरे डीएमसी वाले बन जाते हो तुम तो। तेरे नाम के सलमान खान बने हो तुम। ये लुक है तेरे नाम। ये तुम्हारी जो गंदी स्ट्रीक्स आई थी ना सुबह। हाय है स्टोरी भी आई थी ना। थोड़ी डालो ऐसे ये लोग तस्वीर में मेरी थंबनेल आ गया। नाइस। तो ऊपर आने के बाद में ठीक ठाक जलालत के बाद मुझे कहा कि गोश्त के पैकेट बनाने और बांटने जाना है। तो मैं जाना गोश्त बांटने जो सुबह से काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आया नहीं था लेकिन इंडिविजुअली काम कर रहा था वर्चुअली काम कर रहा था। वही मेरी 250 वाली चप्पलें काम गई। हाँ ये है मेरी चप्पलें पहने और हमारा जो मेन काम होता है हम गोश्त बांटने निकलेंगे। मैं सोचा था कि ये भी बांट चुका होगा लेकिन नहीं बांटा हुआ तो बस अभी हम बांटने जा रहे हैं। इधर आवे बोल दो यार चीटिंग है ना यार। ओ हो अस्सलाम वालेकुम। सलाम मुबारक। कैसे व्लॉगिंग चल बोरियां ढोवानी हैं। बोरियां ढोवानी तुमसे कौन सी बोरियां। मैंने कर लिया जितना सुबह से काम कर रहा हूँ नजर नहीं आ रहा मेरे को। काम क्या कर रहा है सुबह से ये तुमसे है। सुबह से मैं जो है ये पकड़ बैठ पीछे दोबारा ये दिखाएं इसको दिखाएं बंगी पाड़ा। सबसे पहले हम जा रहे हो अल्लाह हमें ऐसे सबसे पहले हम जाएंगे गाइस यासमीन फुप्पो को घर भोज लेने। मेरे फुप्पो को गोल ढूंढो पहले यार कितनी बड़ी थैली है बंदा भाई जाए। हाँ ठीक है ये अभी गोश्त इस पर देखते हैं नाम लिखा हुआ यासमीन फुप्पो यही है जाइए देखा रहा ये मेरे को दे दें। डेजिग्नेशन दूसरी डेजिग्नेशन हमारी आ गई है बशीर भाई और रोटी वाले भाई बशीर भाई। और एकदम से इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई जिसकी वजह से हमारी हालत कुछ इस तरह हो गई और जैसे तैसे करके हम घर पहुँचे और घर पहुँचने के बाद बाहर की गली का नज़ारा आपको जैसे कि नज़र आ ही रहा होगा।